हाय एवरीवन, दिस इज़ पंकज और गॉड विद पंकज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे कि काउंटर्स होते हैं तो उनको अपनी वेबसाइट में कैसे यूज़ करते हैं, कि भाई हमारी वेबसाइट कितनी बार ओपन हुई है या कितने विजिटर्स हमारी वेबसाइट पर आए हैं उसको हम कैसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, लेट्स गो। तो जैसा कि आपके सामने मेरी वेबसाइट खुली हुई है तो आप चाहे तो उसको विजिट कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और मैं जाता हूँ यहाँ पे यूट्यूब सेक्शन में इसके, तो यहाँ पर आपको कुछ इसके स्टैटिक्स दिखेंगे, जैसे स्टार्टिंग में यूट्यूब व्यूज़ है, सब्सक्राइबर्स, वीडियोज़, प्लेलिस्ट, और यहाँ सबसे लास्ट में आता है वेबसाइट व्यूज़ 129+। तो जो स्टार्टिंग के चार आते हैं ये तो आते हैं यूट्यूब की API से। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि YouTube की API कैसे काम करती है, हम YouTube की API से कैसे डेटा निकाल सकते हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिए, मैं एक नई वीडियो उसके लिए बना दूंगा। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं ये जो व्यूज़ आते हैं, जो काउंटर्स आते हैं, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अभी देखो जो इसके व्यूज़ है 129+ है, तो अगर मैं इसी को किसी और ब्राउज़र या फिर एक न्यू इनकॉग्निटो में ओपन करता हूँ इसको, तो यहाँ पे वेबसाइट लोड होने के बाद यहाँ पे देखते हैं अब कितने व्यूज़ इंक्रीज़ होंगे। तो ये हुए है 130+, और जो पहले थे 129, तो यानी कि एक नया विजिटर यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो आज हम इसी को डिस्कस करने वाले हैं, इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़ यहाँ से, और ओपन करता हूँ अपना लाइव सर्वर यहाँ से। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि हम इसको, मतलब ये एक API के थ्रू काम करता है, तो उस API को कैसे लाते हैं। तो उसके लिए एक URL है, या फिर आप गूगल पर सर्च कर सकते हो API काउंट API। तो इस सबसे जो फर्स्ट वेबसाइट आएगी काउंट API, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट ले जा सकते हैं। तो वेबसाइट लोड होने के बाद मैं यहाँ पर जल्दी से सर्च कर लेता हूँ क्रिएट। ये रहा यहाँ पे क्रिएट। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पैरामीटर्स पहले से दिए हुए कि आप इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उठा लेता हूँ ये वाला, यहाँ से सेकंड वाला कॉपी कर लेते हैं और एक न्यू टैब में जाते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा JSON के फॉर्मेट में दिखेगा, बट इसको एक्चुअल में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। इतना तो उनका URL हो गया कि api.countapi.xyz। उसके बाद हमें क्रिएट लिखना है जब हमें कोई नया काउंटर बनाना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर नेम स्पेस, हमें उसको नाम क्या देना है। तो मैं यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ कि testing1। अब इसका नाम हो गया testing1। और उसके बाद वैल्यू लिखने की, हम इसको वैल्यू मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली बात हम 0 से करेंगे। मैं 0 लिखता हूँ, एंटर दबाता हूँ। तो ये होगा यहाँ पर इसका चेंज कि जो नेम स्पेस है वो testing1 आ गया है, और उसके बाद ये इसकी की जो खुद से जनरेट हुई है। आप चाहे तो इसकी की भी अपने आप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आने के बाद नेम स्पेस दिया, उसके बाद फिर ampersand लगाया की, और की में लिख देता हूँ मैं कि टेस्ट, और एंटर दबाया। तो यहाँ पर इसका नेम स्पेस आ गया testing1, उसके बाद की आ गई है टेस्ट, और उसके बाद उसकी वैल्यू है 0। तो ये तो हो गई क्रिएट। तो मैं इसको एक जगह पर इसको स्टोर कर लेता हूँ, ये क्रिएट की है। और अब सेकेंड चीज़ आती है इसको अपडेट करना, कि जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट होना चाहिए। अभी क्या ये क्रिएट हो रहा है कि एक बार हो चुकी है तो दोबारा तो बनेगी नहीं, तो उसके लिए अगर रिफ्रेश करते हैं तो हर बार नल दिखाएगा, क्योंकि एक बार इस नाम से वैल्यू बन चुकी है। तो इसको अगर हमें मॉडिफाई करना है, या हर एक रिफ्रेश पर या फिर हर एक नए विजिटर पर इसको अपडेट करना है, तो अब उसका देख लेते हैं। उसके लिए इतना तो सेम है कि https, या फिर डायरेक्ट URL में चेंज करते हैं इसको। यहाँ पे क्रिएट था जब हमने इसको नया बनाया, तो क्रिएट था। अब हमें इसको अपडेट करना है, तो हम इसको हटा करके अपडेट करते हैं। क्वेश्चन मार्क यहाँ से हटा देना है क्योंकि अब इसका काम नहीं है, और नेम स्पेस इक्वल्स टू भी हटा देना है, इसके प्लेस पर एक फ्रंट स्लैश, की और इक्वल्स टू को भी हटा देना है, इसके प्लेस पर भी एक फ्रंट स्लैश, और यहाँ से वैल्यू को भी हटा देना है क्योंकि हमने वैल्यू स्टार्टिंग में सेट कर दी है इसकी। की लिखने के बाद लगाना है फ्रंट स्लैश और एक क्वेश्चन मार्क, फिर लिखना है अमाउंट इक्वल्स टू 1। देखो तो इसकी वैल्यू आ गई है 1, अभी स्टार्टिंग में 0 थी। तो URL में क्या किया, क्रिएट हटा दिया, नेम स्पेस हटा दिया, की हटा दी और वैल्यू हटा दी,
क्योंकि वो सब चीज़ें जब क्रिएट करते हैं तो जब ज़रूरत होती है उसकी। अभी अपडेट कर रहे हैं तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर उसका URL, उसके बाद अपडेट, उसके बाद हमें कौन सी API पे किस नाम वाले को अपडेट करना है। तो नाम हमने रखा था testing1, उसकी की क्या थी, टेस्ट थी, और अमाउंट हमें कितनी अमाउंट से उसको इंक्रीज़ करना है, 1 2 3 4, कि भाई एक बार रिफ्रेश हुआ तो 4 अपडेट हो, फिर दोबारा रिफ्रेश हुए तो उसमें 4 और ऐड हो जाए। तो यहाँ पे हम हर एक से अपडेट करेंगे उसको। तो अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करता हूँ तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी जो अपडेट हुआ है मैं इसका URL भी यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, जिससे आपको डिफरेंस समझ आ जाए कि इसमें हुआ क्या एक्चुअली। तो हमने बस यहाँ पर अपडेट लगाया और नेम स्पेस का नाम, यानी कि API का नाम, काउंटर का नाम, और यहाँ पर उसका की और अमाउंट 1। तो ये तो हो गया इसको अपडेट करने का, इसको यूज़ कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं URL या फिर API की लिंक करता हूँ कॉपी, और जाता हूँ अपने VS कोड में यहाँ पर। तो मैं इसको अपनी अपनी वेबसाइट पर ही आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। इसको ये वाला जो ब्लॉक है मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ। इसी का एक नया ब्लॉक यहाँ पे साइड में बनाएंगे इसको। ये इसका बॉक्स था तो मैं इसको करता हूँ डुप्लीकेट, और इसका नाम रख देता हूँ टेस्टिंग वेबसाइट व्यूज़, और इसकी जो ID थी उसको भी चेंज कर देता हूँ टेस्ट 1। तो अभी जो दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखा कि 0 है, तो ये तो चेंज नहीं होगा अभी जब तक हमने API की नहीं लगाएंगे इसमें। तो API की को इंक्लूड करने के लिए जाते हैं सबसे लास्ट में। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्क्रिप्टिंग करनी होगी, तो वो करनी है कि फैच, उसके बाद यहाँ पर देना है उसका URL जो हमने वहाँ से कॉपी किया था, ये वाला इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और फिर लगाना है डॉट देन। अब इसका जो रेस्पॉन्स आएगा उस रेस्पॉन्स को क्लिक करते हैं, तो लिखा हमने देन, उसके बाद एक ब्रेसिस लगाया, और फिर एक एरो फंक्शन बनाते हैं डायरेक्ट। मैंने लिखा कि डेटा और इक्वल्स टू कंसोल डॉट लॉग, पहले उसको लॉग करा लेते हैं जो डेटा आया है, तो एक बार दिख जाएगा कि डेटा कैसा आया है। तो इधर गए, रिफ्रेश होता है, इंस्पेक्ट कंसोल, तो ये यहाँ पर इसका रेस्पॉन्स आ गया है, ये रहा टेस्टिंग वाले का। तो अब हमें इसके अंदर से जो डेटा निकालना है वो जेसन फॉर्मेट में निकालना है, क्योंकि अभी जो डेटा है वो तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो इसको जेसन में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर जब हमने कंसोल कराया इसका जो रेस्पॉन्स आता है डेटा का, तो वो कुछ ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर रेस्पॉन्स के साथ और यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्टेटस ओके है। तो अब इसके अंदर से डेटा निकालते हैं, करते हैं रिटर्न डेटा डॉट जेसन। अब हमने जो डेटा था उसको रिटर्न कर दिया जेसन फॉर्मेट में, जिससे कि सारी चीज़ें हमें अच्छे से दिखाई दे। देन यहाँ पे एक नया वेरिएबल बनाते हैं जेसन, और अब जो डेटा आया था वो कन्वर्ट हुआ जेसन में। अब जेसन के बाद उसको कंसोल करा के देखते हैं कि डेटा आया क्या है। हमारे पास वैल्यू आती है 32, और एक बार यहाँ पे चेक कर लेते कि वैल्यू 32 ही है क्या। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर जो अभी हमने देखा है इसकी वैल्यू आती है 33, तो यहाँ से अगर हम जा करके इसको रिफ्रेश करेंगे, इस बार 32 है तो 34 हो गई, क्योंकि 33 यहाँ पर हो गई थी, और अगली बार फिर रिफ्रेश करेंगे तो 35 हो जाएगी। ठीक है, तो डेटा हमारा आ गया है वो भी बिल्कुल सही से। अब इस डेटा को हम सेट करते हैं इसके अंदर, यहाँ पर जो प्लस दिखाएगा कि कितनी वैल्यूज़ आई है, उसके लिए ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर जो ID थी वो टेस्ट 1 है इसकी। यहाँ पर वो लिखता है डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, ID दी, और डॉट इनर HTML इक्वल्स टू रेस्पॉन्स। यहाँ पर जो रेस्पॉन्स आता है वो वैल्यू के फॉर्मेट में आता है, की और वैल्यू के पेयर में आता है, तो हमें इसके अंदर से वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं रेस्पॉन्स डॉट वैल्यू, क्योंकि हमें रेस्पॉन्स के अंदर से वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया हमारा काम 35। अगर 43 हो गए तो एक बार इसको यहाँ पर रिफ्रेश करके देखते हैं, 44, 45, 46, 47, और एक बार इसकी URL से देखते हैं अभी।
48, 49, 50। तो इस टाइप से आप जो है काउंटर्स लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पे या किसी भी वेब पेज पे, ब्लॉग पे, तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने व्यूवर्स आ रहे हैं या फिर कितनी बार आपका ब्लॉग जो है वेबसाइट ओपन हुई है, उसका एक एस्टिमेशन लगाने के लिए। तो आज इस वीडियो में हमने सीखा कि काउंटर्स को कैसे हम अप्लाई करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। So